ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविक सेंटर में और हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश जी। कुछ सवाल हैं हमारे जहन में जिनको लेकर हम इनके पास आए हैं, तो चलते हैं जेपीजी के पास और जानते हैं सवालों के जवाब। जयप्रकाश जी, हाई कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है कि निगम का पैसा, जो कर्मचारियों का पैसा है, उनका वेतन है, वो नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में आप लोगों की जो भत्ते हैं उनमें कटौती क्यों नहीं की जा रही है? हमारे को जो भत्ता मिलता है हम तो आज ही छोड़ देंगे। भत्ता मिलता का है ना पार्षदों को? मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन कोर्ट के अंदर या तो उनको माननीय कोर्ट का जवाब से नहीं दे पाए या मीडिया के अंदर ठीक से जानकारी नहीं आई, क्योंकि नगर निगम का जो निगम पार्षद है उसको महीने का 300 रुपये मिलता है एक मीटिंग का, इसके अलावा कोई भत्ता नहीं मिलता। सेंचुरी अलायंस भी तो आपको मिलता है जिसके अंदर काफ़ी लाखों का खर्चा होता है, आप उसको क्यों नहीं छोड़ते हैं? क्योंकि निगम के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन देना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं नहीं, हमारे को तो कुछ जो अनाउंस मिलते ही नहीं है, ये जिसने भी कहा है आपको गलतफहमी है। एज ए मेयर मेरे को महीने का 15,000 रुपये मिलता है। मेरे दो ऑफिस, मेरा ये सिविक सेंटर का ऑफिस चलता है, मेरा घर का जो ऑफिस है वो चलता है, उससे सिर्फ 15,000 रुपये महीने का मिलता है। अरे एक गाड़ी मिलती है, इसके अलावा पार्षदों को कोई सुविधा नहीं मिलती। अगर ये कोई कह रहा है कि हमारे को अलाउंस मिलते हैं, सुविधाएँ मिलती हैं, जरूरत से ज़्यादा मिलती है, तो ये मिसगाइड किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय कोर्ट को बताना चाहता हूँ कि निगम पार्षद को महीने का सिर्फ 300 रुपया मीटिंग का मिलता है, इसके अलावा उसको कोई भी भत्ता नहीं दिया जाता। इसके अलावा एक फ़ोन की सुविधा दी जाती है जिसमें 700 रुपये से ज़्यादा का अगर फ़ोन हो जाए तो उसका भी बिल भी पार्षद को खुद पे करना पड़ता है। तीसरा, हमारे जो मेयर और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, उनको गाड़ी की सुविधा दी जाती है, इसके अलावा कोई सुविधा है ही नहीं। इसके अलावा कोई भी सुविधा अगर है तो हम अभी ड्रॉप करते हैं, क्योंकि मैं तो खुद एक साल चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी रहा हूँ, अभी पूरे वर्ष महापौर के दायित्व हूँ। हम कोई सुविधा नहीं लेते, हमारे अपने ऑफिस जो काम होता है हम अपनी जेब से खर्च करके पैसा चलाते हैं। मेरे ऑफिस, अगर मेरा जो घर का ऑफिस चलता है उसमें मेरे अपनी जेब से जो कर्मचारी है वहाँ पर मैं अपनी जेब से पैसा खर्चा करता हूँ। नगर निगम का पार्षद जनसेवक है, जनसेवक नगर सेवक कहलाता है। नगर सेवक को कोई अनाउंस नहीं है, दिल्ली के विधायक नहीं है जिनको 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, ये निगम पार्षद है। और जिसने भी ऐसी भ्रम पैदा करने की कोशिश की है मैं उसकी निंदा करता हूँ। हाई कोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो सैलरीज हैं वो सब आपकी समय पर आ रही है, लेकिन जो कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम किया है, डोर टू डोर जाकर काम किया है, एक कोरोना वॉरियर की तरह काम किया है, उनकी सैलरी पहले आनी चाहिए, लेकिन आपके निगम पार्षद हैं उनकी सैलरी नहीं रुक रही है, लेकिन जो कर्मचारी उनकी सैलरी रुक जाती है, कैसे आप, क्योंकि जनता भी यही सब सुन रही है और मान रही है। मुझे तो ये बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ, मुझे तो मजाक लगा जब अखबारों के अंदर ये आया। मुझे समझ में नहीं आया कि किसने सारा का सारा ये उनको जानकारी दी। किसी पार्षद को कोई सैलरी मिलती ही नहीं है। मैंने बताया हमारा महीने में एक हाउस होता है, उस हाउस के लिए 300 रुपया मिलता है, सिर्फ 300 रुपया। इसके अलावा निगम पार्षद को कोई सैलरी, कोई भत्ता, कोई सुविधा नहीं मिलती। पूरे नगर निगम में एक एज ए महापौर और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, उनको गाड़ी की सुविधा मिलती है और अपने उनको ऑफिस का जो खर्चा, क्योंकि हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग रोज आते हैं तो उनका चाय पानी का जो खर्चा होता है वो मिलता है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो जनता है वो भी, जो निगम कर्मचारी हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल है कि हम तो पाई पाई के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, हमारे घर का चूल्हा सही से नहीं जल रहा है, लेकिन लाड़ की जिंदगी जी रहे हैं निगम पार्षद, कैसे आप उनको समझाएंगे? नहीं नहीं, हम लाड़ की जिंदगी कहाँ जी रहे हैं। हम भी सुबह 6 बजे उठते हैं, हम एरिया में जाते हैं, लोगों का काम करते हैं। हम कोई लाड की जिंदगी नहीं जी रहे, हम सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे को कोई भत्ता नहीं मिलता। और किसी ने भी माननीय कोर्ट के दिमाग में या निगम कर्मियों के या दिल्ली की जनता के दिमाग में बात डाली कि निगम कर्मियों को कुछ पैसा मिलता है, पूरी दिल्ली के जितने भी निगम पार्षद हैं तीनों नगर निगमों के, वो अपनी जेब से खर्चा चलाते हैं, अपना घर फूंक करके लोगों की सेवा करते हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि ऐसा है तो बिल्कुल गलत है। और अभी 21 तारीख की हाई कोर्ट में तारीख है, हमारा जवाब जा रहा है। हमने कहा है कि हमें क्या क्या सुविधा मिलती है, वो माननीय कोर्ट के को जवाब के रूप में जाना चाहिए ताकि उनको भी पता लग सके। कई दफ़ा लगता है कि पार्षद को कोई 10-20-50 हज़ार रुपये महीने की सैलरी मिल रही होगी। ये सब मैंने बताया ना, भ्रम है। जिसने भी ये बात भ्रम पैदा किया है उसने गलत किया है।
नर्सिंग स्टाफ तो अब दोबारा एक बार सड़कों पे आ गया है, ऐसे में जो स्वास्थ्य की सुविधाएं वो कहीं ना कहीं बाधित हो रही हैं। उस समय में जब कोरोना काल में जो महामारी है बहुत ज़्यादा फैली हुई है, छोटी सी बीमारी भी होने पर सभी अस्पतालों का रुख करते हैं, दोबारा नर्सिंग स्टाफ एक बार सड़कों पर आ गया है। कर्मचारी तो आप देख ही रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से जो दिल्ली का हाल है वो बहुत ज़्यादा बेहाल हो चुका है। कैसे समझाएंगे और कब तक वो लोग इंतज़ार करें अपनी सैलरी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त दिल्ली का कि सैलरी नहीं आ रही निगम के अंदर। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इस मुद्दे के लिए मैंने मुख्यमंत्री के घर के बाहर में 13 दिन बैठा रहा। पहली बार दिल्ली के तीनों महापौर सड़क पर बैठे रहे अपनी बात को कहने के लिए। दिल्ली में ऐसी स्थिति पैदा होने वाली है, हम दिल्ली राजधानी उसके माननीय मुख्यमंत्री के पास गए, अपना हिसाब लेके गए, और जो हमारा पैसा है वो हमारा अपना पैसा है, कोई हमसे भीख नहीं मांग रहे। जो नगर निगम का हिस्से का पैसा है जो दिल्ली सरकार के माध्यम से हमारे पास आता है, वो पैसा उन्होंने रोक रखा है। अगर उस पैसे को मांगना कोई गलत बात है तो हम गलती कर रहे हैं। अगर हमारा पैसा समय पे नहीं मिलेगा, दिल्ली सरकार उसको दबा के बैठेगी और उसके कारण से हमारे निगम कर्मी परेशान होंगे, उनको सैलरी नहीं मिलेगी, उनको ड्यूज नहीं मिलेगा, उनकी जो सुविधाएं वो उनको नहीं मिलेंगी और वो स्ट्राइक पे जाएंगे, ये दिल्ली के लिए अच्छा नहीं है। 938 करोड़ का भी तो वादा हुआ है ना कि दिल्ली सरकार देने वाली है, और शायद अब तक आ भी गया होगा आप लोगों के पास। अभी तक 1 रुपये भी नहीं आया। 938 करोड़ की घोषणा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कर दी। पहली बार ऐसा हुआ है कि उप मुख्यमंत्री बैठ रहे हैं वो घोषणा कर रहे हैं, ऑर्डर किया नहीं। होना क्या चाहिए था, उनको पहले ऑर्डर करना चाहिए था, हमारे खातों में पैसे भेजने चाहिए थे, फिर वो बढ़ चढ़ करके बोलते। और एक तरफ वो कह रहे हैं हमने 938 करोड़ रुपया वेतन के लिए दिया है, फाइलों में पता लग रहा है कि वो हमारे तीसरी तिमाही का पैसा काट रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो लोन शीला दीक्षित के समय निगमों को मिला था उसका वो लोन का पैसा भी काट रहे हैं, उसका ब्याज का पैसा भी काट रहे हैं। लोन आपने दिया नहीं। अगर आपको शीला दीक्षित के समय की सारी बात माननी है तो सारी बात मानो। जी, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी, जो 938 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, उन्होंने जब ये ऐलान किया तब उन्होंने कहा कि सैलरी का पैसा है, लेकिन क्या ये वाकई आपको लगता है सैलरी का पैसा है, या फिर आपको लगता है ये 938 करोड़ अगर कटके भी आते हैं तो किस तरह से डिवाइड होंगे, क्या सीधा सैलरी के लिए जाएंगे या किसी और तरह से ये आते हैं, क्या इसका क्या तरीका क्या रहता है? देखिए दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है वो ये बताए कि 938 करोड़ में से कितना पैसा नॉर्थ को आएगा, कितना ईस्ट को आएगा, कितना साउथ को जाएगा, एक बात। दूसरा, अगर वो सैलरी के लिए पैसा आ रहा है तो उनको लिख के भेजना चाहिए कि 100% पैसा सैलरी में यूज किया जाएगा। अगर उन्होंने उसको अलग अलग मद में भेज दिया कि ये एजुकेशन का पैसा है, ये हेल्थ का पैसा है, ये सैनिटेशन का पैसा है, तो उसमें तो कंसेशनर को भी पैसा जाता है, उसके अंदर तो हमारी जो दवाई भी आती है उसमें अन्य खर्चे भी जो होते हैं, स्कूलों में मिड डे मील भी आता है उसका भी उसमें खर्चा होता है। तो दिल्ली सरकार जनता में भ्रम पैदा ना करे, दिल्ली सरकार 938 करोड़ रुपया सैलरी का दे और इसके अलावा हमारी तीसरी तिमाही का पैसा, जिसमें कुछ लिखकर आया अभी तक ऐसा कुछ लिखकर के नहीं आया, ना क्लैरिटी है, और दिल्ली सरकार उसको क्लियर करना पड़ेगा। अगर वो 938 जो वेतन के लिए भेज रहे हैं उसमें अगर वो 1 रुपया भी काटेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे। 1 रुपया भी कटेगा तो विरोध होगा, लेकिन एक चीज हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, आप 13 दिन तक मेयर के जो सीएम है उनके घर के बाहर बैठे, 13,000 करोड़ की आप बात करते हैं, विपक्ष कहता है कि लकी नंबर मान के चल रहे हैं आप, 13 का एक आप एक जुमला खेल रहे हैं। देखिए इस समय जो दिल्ली सरकार है और उनके सारे विधायक हैं, मैंने कहा है आम आदमी पार्टी एक झूठ का शोरूम है, उस शोरूम में से रोज एक व्यक्ति निकलता है, झूठ परोस के चला जाता है। अगर दिल्ली की तीनों निगमों को 13,000 करोड़ रुपये जो लेना है, जब हम बैठ के उनके घर पे बैठे थे उनको हिसाब करना चाहिए था, हमें बुलाना चाहिए था, और दिल्ली की जनता को हमने जब अवेयर किया, लोगों को बताया, आज दिल्ली की एक एक जनता को पता है कि 13,000 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार ने रोका हुआ है, इससे वो घबराए हुए। पहले उनको लगता था जो हम बोलेंगे वही चलेगा, ऐसा नहीं चलने वाला, आप कुछ भी बोलोगे वो जनता को हम बताएंगे। जैसे आपने 938 करोड़ की घोषणा कर दी, दिया 1 रुपया भी नहीं, हम जनता के बीच में गए, हम निगम कर्मियों के बीच में गए, हमने बताया, हमने झूठ का झूठ और सच का सच सामने लेकर कहा है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नेता विपक्ष विकास गोयल ने ये बात कही कि एक तरफ तो मेयर कह रहे हैं कि पैसा आया नहीं है, हमें इस बारे में पता नहीं है, दूसरी तरफ आपने ये बात कही कि पैसा कटपिट के आ रहा है, तो आप झूठ बोल रहे हैं, कैसे आप क्लियर करेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं अगर या तो उनको पता नहीं है इस बात का कि पैसा आना है नहीं आना है, ऐसी कोई बात भी हुई है, या तो उन्हें ये बात नहीं पता होनी चाहिए या फिर उनको ये नहीं पता होना चाहिए कि पैसा कटपिट के भी आ रहा है, कैसे जवाब देंगे? देखिए हम रोज दिल्ली सरकार के विभागों के संपर्क में रहते हैं, हम सरकार चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार में क्या हलचल हो रही है, फाइल में क्या फाइल मूव हो रही है, वो हमारी जानकारी में नहीं रहता, हमारी सब जानकारी में रहता है। लेकिन हमारा ये प्रेशर काम करेगा, जो हमने कहा 938 करोड़ रुपये सैलरी के लिए चाहिए, ये हमारा प्रेशर काम करेगा, दिल्ली सरकार को हार करके 938 करोड़ रुपये सैलरी के लिए देना पड़ेगा और हमारे तीसरी तिमाही का पैसा भी देना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करती तो दिल्ली के निगम कर्मियों को और दिल्ली की जनता के साथ मजाक करेगी। लगता है कि देंगे पैसा? नहीं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये लड़ाई का तो नतीजा है जो उनको आकर के घोषणा करनी पड़ी।
आज दिल्ली में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, जब भी तो वो आगे आ रहे हैं, नहीं तो दिल्ली सरकार इतनी जल्दी मानने वाली थोड़ा है। कुंभकर्णी नींद में सोने वाले लोग इतनी जल्दी जग सकते हैं क्या? लेकिन आज दिल्ली की जनता के कारण से, निगम कर्मियों के कारण से, हमारी जो लड़ाई है धारदार उसके कारण से उनको झुकना ही पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये थे जेपी जी जो कि नॉर्थ एमसीडी के मेयर हैं, उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए हैं क्योंकि सवाल गंभीर थे, आरोप लगा है और जो हाईकोर्ट है उनकी तरफ से फटकार भी लगी है। ऐसे में हमने कई सवाल इनसे किए जिसके जवाब उन्होंने हमको बखूबी दिए हैं। ऐसे तमाम सवाल हम उनके पास लेकर आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर